थारे को महंगी मार्केट है जी, कणक मंडी इन्ना मुल नहीं मार्केट है जी, इसे मार्केट है महंगी मार्केट। चलो वायरिंग की वर्स्ट कंडीशन है, बिल्डिंग कच्ची है, इस तरह सचिव का ध्यान नहीं दे रहा ना स्थानीय लोग। बहुत लोगों को ऑफिसर से कह चुके हैं कि जो गली की हालत है, बिल्डिंग की खस्ता हालत है, उनको सुधार किया जाए, डिसमेंटल किया जाए पुरानी बिल्डिंग को, ताकि किसी को जान माल का कैजुअलिटी ना आए। यहाँ पर कुछ हुआ क्या? अभी कुछ भगवान की दया है, दो तीन बाइक्स हैं जो नीचे आई है, मलबे नीचे आई है, एक दो शॉप्स अंदर उससे मलबे आने से बच गई है। इनका मकान है ये कोई, मैं कोई यहाँ जॉब करता हूँ, मुझे पता नहीं बिल्डिंग बहुत है। जहाँ पे कोई रहता था अंदर? नहीं, अंदर कोई रहता पड़ा हुआ है, बिल्डिंग ब्लॉक ही हुई है, बट बिल्डिंग को कोई नोटिस नहीं लगा कि बिल्डिंग डैमेज है, गिर सकती है। रेन इतना हैवी रेनफॉल स्टार्ट 15-20 दिन से रेन फॉलिंग हो रही है यहाँ पर, कोई नोटिस नहीं लगा प्रशासन की तरफ से, ना मुझे कॉपी नहीं लगा कि बिल्डिंग कच्ची है, गिर सकती है, कोई टोटली नेग्लिजेंस है यहाँ गली में। कितने बजे हादसा हुआ है? ये 9:30 के बीच हादसा हुआ है, पूरी बिल्डिंग नीचे क्लॉप्स हुई है, बट कोई भी नीचे नहीं आया, क्योंकि बाइक्स आई हैं, व्हीकल्स आई हैं, या साथ ही शिविर लगी है, रजीश गुप्ता जी ने लगाई हुई है, वो टोटली अनवर्क में है। बड़ी देर की कंप्लेन ही कि मतलब डिगने वाला है, इस वार्ड च एक नहीं, मतलब और भी इन ने 8-10 मकान ऐसे कुछ वेले भी, जिया जिस तरह की बारिश होवा दी है कुछ वेले भी ये हादसे हो सकते हैं। मैं हाउस के हर एक मतलब अपने कमिश्नर सारे की आख्या कि इन्दे पर कार्रवाई करवाए, नोटिस कड़ा जिंद जे लोग मकान बंद करिए गए, पर कोई म्युनसीपैलिटी तरफों कार्रवाई नहीं हुई है, जिदे कन्ने हादसे दिखने पवा दे, और अज बहुत बड़ा जेकर नुकसान होने को कोई जान का हादसा हो सकता, इतने एक एक दुकान उपर भी 20 मतलब आदमी काम करते हैं, और अज शुक्र है भगवान का कि कोई ऐसा हादसा होने को टलिया, मकान तो डिग्गिया पर कोई ऐसा ट्रैजडी नहीं हुई है, पर वो आने वाले टाइम से जिया बारिश होवा दी है, जेडे और मकान पेदे और ट्रैजडी भी हो सकती है। मैं गुजारिश करनी अपने म्युनसिपैलिटी कमिश्नर की, मेयर साहब की, कि इंदे जेडे भी मकान बंद पेदे न, जेके खस्ता हालत च न, उनके खिलाफ लोगों के खिलाफ नोटिस कढ़े जान, ताकि वह अपने मकान ये ठीक करवान, कि उन्हें ट्रैजडी होने को टली सकन। मैं मतलब जिया मकान डिगया, मैं उ SHO अपने जेडे नायब तहसीलदार तहसीलदार सारे की अपने बिजली डिपार्टमेंट की उस वे इनफॉर्म करी ओड़े कि ये पर कार्रवाई की, हूँ नायब तहसीलदार सारे जे डिपार्टमेंटल आए दिन वो आखते कि जल्दी SDRF सारे म्युनसिपैलिटी आए तो आखी ओड़े सा कोई काम ही नहीं है ये, पर चलो हूँ ये नायब तहसीलदार आए दिन तो वो आखते कि SDRF टीम जो इनफॉर्म कराने तो वो जल्दी आते मतलब रस्ता खोले, ताकि क्यों अली ए और भी जेकी बिल्डिंग है थल्ले वाली भी वो भी डिगने का कारण है, वो जल्दी ये अंदर मतलब गिराना चाहिए, ताकि और हादसा उन्हें कुल टले।